हेलो एवरीवन। तो 52nd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो कौन सा हमारा फिफ्थ शेड्यूल है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में है। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट इन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ को छोड़ के जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है ना, इनको छोड़ के सारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, किसका, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का, और किसको छोड़ के, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के। ठीक है, दिस प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट इज प्रोवाइडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल of the constitution. ठीक है, next question is provision of the schedule 6 of the constitution does not apply to which of these state. ठीक है, कौन सा स्टेट में प्रोवाइड नहीं है, कौन सा प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल कहाँ पे अप्लाई नहीं है, अप्लाई नहीं होगा, ये मणिपुर में नहीं होगा। ठीक है, मणिपुर में नहीं होगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में है, मणिपुर में नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम आर प्रोवाइडेड इन द 6th शेड्यूल, बट द स्टेट ऑफ द मणिपुर इज नॉट कवर्ड अंडर दिस शेड्यूल। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में है असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर नहीं, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, मणिपुर कवर नहीं करता 6th शेड्यूल। कौन सा करता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, और नेक्स्ट इज द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, फिर से 6th शेड्यूल का बता रहे हैं, तो कौन सा है, त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा में है, और बाकी तो हमारा इसमें कोई नहीं, नागालैंड और सिक्किम में नहीं है। ठीक है, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट में को कवर करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं है इसमें, तो मणिपुर, बिहार, ये सब तो होगा ही नहीं, उत्तराखंड और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए हमारा आर्टिकल 371A, ठीक है, 71A में क्या है, नागालैंड। ठीक है, 71A में क्या है, नागालैंड। 71B इज असम, 71B असम। ठीक है, 71D जो है हमारा आंध्र प्रदेश है, बट C जो है मेघालय नहीं है। A क्या है, नागालैंड, B 71A नागालैंड, 71B असम, 71D आंध्र प्रदेश। तो 71C जो है, 371C स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द मणिपुर, ये मणिपुर में है, मेघालय नहीं है इसमें। ठीक है, मणिपुर है, मेघालय नहीं है। फिर से देख लीजिए, 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू, किस लिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, 5th और 6th शेड्यूल जो हमारा है किसके लिए है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। स्पेशल प्रोविजन आर लेड डाउन बाय द 5th एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन 243, ठीक है, 243 में। ठीक है, 243 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू द पंचायत। ठीक है, देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 added a new part, that is part 9 to the constitution, titled the panchayats, covering provisions from article 243 to 243O and new 11th schedule. ठीक है, 11th schedule covering 29 subjects for the functioning of the panchayat. कितने subjects हैं, 29 subjects हैं, किसके लिए, जो हमारा पंचायत है उसकी फंक्शनिंग के लिए। आर्टिकल कौन सा है, 243 से लेके 243O। The 11th schedule of constitution is related to which of the following? So it is related to the Panchayati Raj. ठीक है, Panchayati Raj. Next question: the provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India. ये जो है आपका जो statement है वो दे दिया गया है, आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो ये है आर्टिकल 117, कहाँ है, no bill imposing tax कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 117 यानी कि 117 स्पेशल प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल बिल आर मेड एज अ बिल और द अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर एनी ऑफ द मैटर रिगार्डिंग द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिल, ठीक है, बिल और अमेंडमेंट जो क्या जिसमें प्रोविजन है मैटर्स रिगार्डिंग इम्पोजिशन, ठीक है, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, वो बिना जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के वो बिल जो है हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। ठीक है, तो शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑन द प्रेसिडेंट एंड बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो है हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोविजंस दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर द मूविंग ऑफ एन अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजंस फॉर द रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एनी टैक्सेस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन, ठीक है, नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज फॉर मूविंग ऑफ एन amending amendment making provisions for the reduction or abolition of any tax। ठीक है, तो reduction और abolition, हाँ ठीक है, तो मतलब प्रेसिडेंट के असेंट के विदाउट आप जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में उस बिल को नहीं रख सकते विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर। स्पेशल प्रोविजन किसमें है? आर्टिकल 117। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल इज गिवन इन आर्टिकल 117। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बिल प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 117। इट्स देयर थ्री क्लासेस गिव वेरियस कंडीशन फॉर द फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 119 गिव्स प्रोविजन फॉर रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस बाई लॉ। आर्टिकल 121 121 है, इम्पोजेस अ टैक्स ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। आर्टिकल 123 123 जो है आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोमोगलेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाई द प्रेसिडेंट। ठीक है, 123 क्या है? इज रिलेटेड टू द प्रोमोगलेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस बाई द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो स्पेशल प्रोविजंस है इन रिगार्ड टू द फाइनेंशियल बिल्स प्रोवाइडेड इन टू, स्पेशल प्रोविजन किसमें है? आर्टिकल 117 में। ठीक है, अब थ्री क्लॉजेज गिव वेरियस कंडीशन फॉर द फाइनेंशियल बिल। पहला हमारा क्या है? आर्टिकल 119 119 है, गिव्स प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस बाई लॉ। ठीक है, 121 क्या कहता है? इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. Next is Article 123. Article 123 is related to the promulgation of an ordinance by the President. Next question हमारा क्या है? Next question is which one of the following articles of the Indian Constitution provide for all India services? तो all India services किस में है? तो हमारा 312 में है। 312 देखिए, आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिया सर्विसेज इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैड डिक्लेयर्ड रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट। देखिए, इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैड डिक्लेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन सपोर्ट बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन एंड वोटिंग दैट इट इज नेसेसरी, ठीक है, और एक्सपीडिएंट in the national interest for creation of one or more all India services, Parliament may by law provide for one or more all India services। ठीक है ना, तो ये क्या होना चाहिए? 2/3 जो है जो मेंबर हैं उनके थ्रू सपोर्टेड होना चाहिए, है ना, प्रेजेंट और वोटिंग हो, मतलब 2/3 मेजोरिटी हो। ठीक है ना, और ये नेशनल इंटरेस्ट में हो कि जो है क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट में ये रेजोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड। ठीक है, क्या है? इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट 318 गलत है, इलेक्शन कमीशन 324 बिल्कुल सही है, 334 है, यूपीएससी जो है ये 300 ये भी नहीं सही है, अटॉर्नी जनरल देखिए ये सही नहीं है। देखिए पार्ट 15 आर्टिकल 224 to 229 is related to elections। According to the article 224(2), the election commission shall consist of chief election commissioner and such members of other commissioners as the president may time to time fix। ठीक है, its main function is superintendence। ठीक है, superintendence main function है। ठीक है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, प्रोविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 124 में है, 124 यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज़ 315 एंड अटॉर्नी जनरल हमारा 76 में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। वाइल आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या है 351 क्या है? डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा हमारा मैच नहीं है? आर्टिकल 39A। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं बता रहा? 39A में क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ, ये 50 होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा, डी इज नॉट करेक्ट। देखिए, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50, वाइल द आर्टिकल 48 प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मैच कराना है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट है आर्टिकल 124। ठीक है, 124, फिर सिटीजनशिप है, तो ये इजी है। देखिए जो है आपका ये आर्टिकल 5 सिटीजनशिप है। ठीक है, 252 245, देख लीजिए यहाँ पे ए है, 1 2 3 4 सारा सही है। ठीक है, 1 2 3 4 सारा सही है। तो देखिए आर्टिकल 5 कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ फॉर सिटीजनशिप, 124 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 245 इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो 245 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एंड आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब फिर से हमारा मैच कराना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखिए लिस्ट 1 में क्या है? आर्टिकल 14, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद फिर हमारा है आर्टिकल 36, देखिए इसमें है, अच्छा ये 368 अमेंडमेंट है। ठीक है, आर्टिकल 36, जस्ट अ सेकेंड, और 74 है, 36 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप मैच करा लीजिए, देखिए डी सही होगा हमारा। ठीक है, डी सही होगा, तो 3 देख लीजिएगा एक बार मैच करके। आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी, 36 इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 74 इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैच कराना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टू एडमिट न्यू स्टेट्स बाई। ठीक है, अगर न्यू स्टेट्स को एडमिट करना है टू राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो न्यू स्टेट 2 हो जाएगा, राइट टू इक्वलिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 है। ये सब तो बहुत इजी है, अब इतना इजी भी नहीं आएगा। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल। ठीक है, ये पहले का ही क्वेश्चन था, 111 है, 2016 का ही है खैर। ठीक है, देख लीजिए, टू एडमिट न्यू स्टेट्स बाय लॉ, टू एडमिट न्यू स्टेट्स बाय लॉ, आर्टिकल 2, टू राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22, एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल। ठीक है, प्रेसिडेंट का पावर बिल को असेंड करना, अपना जो है सहमति देना, ये आर्टिकल 111 में है, 111 यानी कि 111। मैच कराना है फिर से हमें आर्टिकल 5, अच्छा ये इसमें मैच, हाँ मैच ही कराना है। देखिए आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 इज क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 54 क्या है? 54 है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके बाद जो है 75, ठीक है, 75 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 155 इज रिलेटेड टू द गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 155 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एंड आर्टिकल 164 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड ऑन बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 170 contains the provision for the opposition of the state legislative assembly, composition of the state legislative assembly. तो आर्टिकल 170 क्या है? contains provisions for the composition of state legislative assembly. ठीक है, फिर से देख लीजिए, आर्टिकल 54 है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 75 है आर्टिकल 54 है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 75 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 155 है गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 164 इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। 170 क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? आर्टिकल 323A। देखिए इसमें डायरेक्ट यही है, इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, ठीक है। तो देखिए जो है आर्टिकल 323A में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आर्टिकल 324 इलेक्शन। 330 जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। एंड 320 क्या है, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इजी है। 323 क्या है, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 324 है आपका इलेक्शन। एंड 330 इज रिजर्वेशन फॉर द सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। एंड आर्टिकल 320 इज फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। Next question is, which article of the Constitution provides right to vote, that is adult suffrage, for electing representatives, Lok Sabha और राज्य सभा। तो ये हमारा आर्टिकल 326, ठीक है, मतलब adult suffrage for electing representative of the Lok Sabha and राज्य सभा। Article 326 of the Indian Constitution provide right to vote, that is adult suffrage for electing representatives of Lok Sabha and state assemblies, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उसके बाद जो है ऑल इंडिया सर्विसेज और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। मैच करा लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने बताया 368 हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन 2 यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्टली। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 368, क्या है 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 368, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आपका है, सॉरी फाइनेंस कमीशन है 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360, ठीक है 360, फिर है इन ऑल इंडिया सर्विसेज 312, ठीक है 312। नेक्स्ट इज मैच कराना है अभी फिर से हमें, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, फिर फाइनेंस कमीशन है 280 हो गया, और कॉम्प्ट्रोलर कैग की बात कर रहे हैं, ठीक है कैग। अच्छा ये क्या है, इसमें देख लीजिए। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, क्या है 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। आर्टिकल 331 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है 331 क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 331 इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, तो देख लीजिए 76 हमारा क्या है आर्टिकल। आर्टिकल 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 148 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75(1) अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। एंड आर्टिकल 331 इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी नेक्स्ट क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है, प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी ये सब आपको पता है, ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। राइट टू इक्वलिटी है 14, ठीक है। राइट टू वर्क क्या है 41, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी क्या है 14, ठीक है। और राइट टू वर्क क्या है 41, राइट टू वर्क 41। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क आर्टिकल 42। राइट टू वर्क 41 में है, जस्ट एंड ह्यूमन 42 में है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। Which of the following is correctly matched? Part 2 of the Constitution, fundamental right, और कौन सा सही है ये बता रहा है। Part 3 citizenship, Part 4A fundamental duties, ठीक है। तो Part 5 directive principle of state policy, देखिए उल्टा सा दिया हुआ इसमें। तो देखिए हमारा पार्ट टू है जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। पार्ट 2 किसमें है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 हमारा क्या है फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4A सही था, यही है एक सही आपका 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और पार्ट 5 इज रिलेटेड टू द यूनियन, पार्ट 5 क्या है यूनियन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कराना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। और पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें लिस्ट में मैच कराना है। तो देखिए क्या है हमारा, पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 8 हमारा है यूनियन टेरेटरीज, पार्ट 8 क्या है यूनियन टेरेटरीज, पार्ट 9 है पंचायत, पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 9A है म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी. तो फिर से अभी देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रिब्यूनल्स. ठीक है, तो 9 है, पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 9B है एंड पार्ट 10. ठीक है, तो देखिए पंचायत क्या है, पार्ट 9. पंचायत क्या है, पार्ट 9. ठीक है, पार्ट 9 है पंचायत. पार्ट 9A जो है ये म्यूनसिपैलिटीज़ हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी है पार्ट 9B. ठीक है, ट्रिब्यूनल्स है पार्ट 14A. ठीक है, पार्ट 14A. ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, पंचायत क्या है पार्ट 9, म्यूनसिपैलिटीज़ है 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी है 9B और ट्रिब्यूनल्स है 14A. ठीक है, 14A. और फिर से हमें क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन और इमरजेंसी प्रोविजन. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A हो गया. ठीक है, तो यूनियन है, ये इलेक्शन है, देख लीजिए आप. देखिए फंडामेंटल राइट है आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A. ठीक है, पार्ट 4A और यूनियन हमारा है 5 में, है ना, 5 में है. और इमरजेंसी प्रोविज़न है 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए फिर से हमारा है मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2. पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 16 है, पार्ट 17 है, पार्ट 18 है. ठीक है, तो देखिए क्या है आपका पार्ट 15 है जो है इलेक्शन, पार्ट 15 में है इलेक्शन. पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू द सर्टेन केसेस, स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू सर्टेन केसेस. और पार्ट 16 है ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 16 है ऑफिशियल लैंग्वेज, 17 है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज और पार्ट 18 है इमरजेंसी. तो पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 16 है स्पेशल प्रोविजन विद सर्टेन केसेज एंड पार्ट 15 है इलेक्शन, 15 इलेक्शन, 16 है स्पेशल प्रोविजन टू द सर्टेन केसेस, 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 है इमरजेंसी प्रोविजन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये हमारा है एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. देखिए पार्ट आर्टिकल 162 ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर 162. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट. इट स्टेट्स द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सटेंड टू द मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज़ द पावर टू मेक लॉज प्रोवाइडेड दैट it may matter with respect to such a legislature of a state and parliament have the power to make the laws. ठीक है ना, स्टेट के लॉज को बताया गया है. तो ये हमारा जो है स्टेट लॉ का एक्सटेंट. ठीक है, 162. ठीक है, अब ये हमारा 83rd क्वेश्चन था और इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चंस हैं, 83rd. हाँ, ये कंप्लीट हो रहा है. इसके बाद फिर जो है प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.